अब आगे चलते हैं। कहाँ तक लिखा बेटा तूने? हाँ, चौथे वचन वचन संबंध पांचवें का। माया ने जीवाना चेतना ऐसा भाव उत्पन्न किया और जीव का, माया ने जीव को, जीवों को, अब माया का काम पूरा हो गया ना, अब जीवों का काम शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे अगले वचन में, माया ने जीवों को, मैं चैतन्य हूं ऐसा भाव उत्पन्न करने पर जीव क्या करता है? अब माया का उन्होंने पीछे चार सूत्रों में काम बता दिया, अब जीव क्या करेगा अब उसकी बात बता रहे हैं। तो माया के उन्होंने सारे स्टेप बता दिए वहां पे। हाँ, अब जीव क्या करेगा? दूसरी तरफ माया ने जीवों को चैतन्य ऐसा भाव उत्पन्न की करने पर जीव क्या करते हैं? परमेश्वर प्रति माया व्यापार विषय अध्यात्म जीव चैतन्य ऐसे ज्ञान उठी थी और जीव मैं चैतन्य हूं इस भावना से सावधान सावध होता है और जीव मैं चैतन्य हूं इस भावना से सावध होता है कारण पहले निद्रिस्त अवस्था में था। पहले निद्रा की अवस्था में था। क्या लिखी जा रहे हो आप? क्यों पागलों वाले काम कर रहे मैं हो? मीनिंग नहीं वर्ड नहीं और कुछ नहीं, कभी मैं पढ़ूंगी तो फिर पेपर्स मम्मी ने आएगा इधर देखूंगी ना वर्ड आप कंफ्यूज ही रहोगे सारी जिंदगी। दंडोत प्रणाम। तो आपको नहीं जो कोई काम बात मना नहीं। किया है वो छोड़ दो, छोड़ दो। चलो डिक्शनरी ना बनाओ, मैंने कल कॉपी चौक कहना दी। ठीक है निद्रा चल आगे क्या है? की अवस्था में था। हृदय वाली चीज वो सीखो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। कहां पे थे? और जीव मैं चैतन्य हूं इस भावना से सावध होता है कारण पहले निद्रा की अवस्था में था। अर्थ, सूत्र का अर्थ, परमेश्वर प्रवृत्ति अर्थात परमेश्वर की प्रवृत्ति से, परमेश्वर प्रवृत्ति अर्थात परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया व्यापार विषय अर्थात माया व्यापार के अधीन होकर, परमेश्वर प्रवृत्ति अर्थात परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया व्यापार विषय अर्थात माया व्यापार के अधीन होकर अविद्यात्मक जीव अर्थात अज्ञान ही जैसा, ज्ञानच जैचक जनु कही आत्मा आहे अस्य अत्यंत, अज्ञान ही जैसा अज्ञान ही जैसा उसकी आत्मा है ऐसा अत्यंत अज्ञान ग्रस्त जीव। तन्यम अर्थात मैं चैतन्य हूं ऐसे गेव नहीं उठी थी अर्थात इस भावना से सावध होता है। इस भावना से सावध होता है। वचन संबंध छठा। ऐसे जीवा ने चैतन्य में मटले त्या मूल्य का, ऐसे जीवों ने मैं चैतन्य हूं कहा उसके कारण क्या कार्य हुए? ऐसे जीवों ने मैं चैतन्य हूं कहा उसके कारण क्या कार्य हुए? और मैं चैतन्य हूं कहना, मैं चैतन्य हूं कहना जीव का यथार्थ ज्ञान है क्या? जीव का यथार्थ ज्ञान है क्या? बच्चन चैतन्य हम जीवन जन्म बोले 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 जाते मन बोली जाए। और जीवो एवं जीवा ने चैतन्य मोहम मटले त्या मूल्य त्यास्तमा बाहर पड़ने हाच जन्म प्राप्त जाला तो स्वतस आद्य माला धार पाहु लागला हाच जन्म प्राप्त जाला चैतन्य मोहम मनने हे यथार्थ ज्ञान नाही हे जीवा चनथा ज्ञान है।
और जीवों ने मैं चैतन्य हूं कहा, उसके कारण उनको तम से बाहर आना और खुद को क्या त्या मुले, उसके कारण उनको तम से बाहर आना, त्या मुले त्यास तमा बाहर पड़ने, यही जन्म हाच जन्म, यह जन्म प्राप्त हुआ। तम से बाहर आ गया तो हरित में जन्म हो गया ना उनका, यह जन्म प्राप्त हुआ। वह खुद को, यानी अब जीव खुद को आद्य मल के आधार से देखने लगा, यह जन्म प्राप्त हुआ। वहां पर आद्य मल के आधार से देख रहा था थोड़ी देर के लिए, यहां पर प्रपंच के शरीर के आधार पर देखता कि मैं जीव हूं, देख ना मैं हूं। वहां पे वो फिर जब हर तम से बाहर निकला तो आद्य मल को देख के कहता है मैं हूं। आद्य मल लगा तो यानी 100 ब्रह्मांड का से 10 ब्रह्मांड का हो गया, तम से बाहर निकला हरित में। उतनी प्रक्रिया बता रहे हैं सिर्फ ये वाली। तो ये उगली लोटी वाली जो सारी बातें हैं, ये इसमें धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी हमारे को। ये बहुत गहरी चीज है, वो वाली डीप नॉलेज है, डेप्थ वाली है, माइक्रो है, सूक्ष्म है नॉलेज, वो वाला प्रोसेस है, ठीक है। और जीवों ने मैं चैतन्य हूं कहा, जिसके कारण वह तम से बाहर आए, यह जन्म प्राप्त हुआ। वह खुद को आद्य मल के आधार से देखने लगा, यह जन्म प्राप्त हुआ, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्या कार्य हुआ है। दूसरा है अनथा ज्ञान है या ज्ञान है या यथार्थ ज्ञान है। मैं चैतन्य हूं कहना यह यथार्थ ज्ञान नहीं है, यह जीवों का अनथा ज्ञान है। मैं चैतन्य हूं कहना यह यथार्थ ज्ञान नहीं है, यह जीवों का अनथा ज्ञान है। अर्थ वचन है चैतन्य मम जीवा जन बोलीजिए, अनथा ज्ञान बोलीजिए, आद्यमल बोलीजिए। अर्थ चैतन्य मम जीवा जन बोलीजिए अर्थात मैं चैतन्य हूं कहते ही जीव तम से बाहर आ गया। मैं चैतन्य हूं कहते ही जीव तम से बाहर आ गया। अन्यथा ज्ञान बोलीजिए अर्थात मैं चैतन्य हूं कहना यह जीवों का अन्यथा ज्ञान मैं चैतन्य हूं कहना यह जीवों का अनथा ज्ञान होते हुए मैं चैतन्य हूं कहते ही जीवों को आद्यमल बोलीजिए अर्थात आद्यमल भी लग गया। आगे देखते हैं वचन संबंध। जीवों को आद्यमल अपने आप लग गया क्या? और आद्यमल लगने पर जीवों ने क्या किया? आगे है आंसर इसका। और आद्यमल अपने आप लगा नहीं, माया ने लगाया।
और आद्य मल अपने आप लगा नहीं, माया ने लगाया। आद्य मल लगने पर जीव ने प्रपंच किया, आद्य मल लगने पर जीवों ने प्रपंच किया। वचन है माया सृष्टि जीव, जीव सृष्टि प्रपंच। अर्थ है सूत्र वचन का, माया सृष्टि जीव अर्थात माया ने जीवों को आद्य मल लगाकर हरित में सृजन किया, जन्म दिया। माया ने जीवों को आद्य मल लगाकर हरित में सृजन किया, जन्म दिया। जीव सृष्टि प्रपंच अर्थात फिर जीवों ने प्रपंच का सृजन किया, फिर जीव ने प्रपंच का सृजन किया। आगे कहाँ है हम लोग? हाँ, अर्थ हो गया, वचन संबंध अगला आठवां। माया ने जीवन आद्य मल लावले और काय के लिए, माया ने जीवों को आद्य मल लगाने पर क्या किया? आया कि आद्य मल लगने पर जीव ने क्या किया, और इस इसमें है कि माया ने जीवों को आद्य मल लगाने पर क्या किया। वचन संबंध है माया ने जीवों को आद्य मल लगाने पर क्या किया। आंसर है और माया ने जीवों को मल रचना का समर्थ्य देकर, और माया ने जीवों को मल रचना का समर्थ्य देकर चेतन भी किया। सोया हुआ था, उठा, चेतन यानी एक्टिव कर दिया, उसको काम पे लगा दिया। चेतन था वो, है चेतन ही है, पर वो सोया हुआ था। आगे वचन है मायाकृत जीव, जीवकृत प्रपंच। अर्थ है मायाकृत जीव अर्थात, मायाकृत जीव अर्थात माए ने जीवा स्मल रचने चे समर्थ्य देवन मतित्रय चेतविले। हाँ, क्या चेतवित किया उसका? मतित्रय चेतवित किया। मायाकृत जीव अर्थात माया ने जीवों को मल रचना का समर्थ्य देकर, मायाकृत जीव अर्थात माया ने जीवों को मल रचना का समर्थ्य देकर मतित्रय चेतविले, मतित्रय को क्या किया, क्या किया था, वह क्या लिखवाया था? चेतन किया, चेतन नहीं। हाँ, माया ने जीवों को मल रचना का समर्थ्य देकर मतित्रय को कार्य में लाया। कार्य में लाया, जीवत्व कार्यास आन ले, जीवत्व को कार्य में लाया, जीवत्व को कार्य में लाया। जीवकृत प्रपंच अर्थात फिर जीवों ने प्रपंच की रचना की, फिर जीवों ने प्रपंच की रचना की। वचन संबंध नौ। आगे चलते हैं, क्या लिखा था? हाँ, आंसर क्या लिखा? हाँ, माया ने जीव स्वरूप का निर्माण किया। आप अगला ये वचन संबंध है, माया ने जीव स्वरूप का निर्माण किया क्या? देखो अब आ गया ना क्वेश्चन, माया ने जीव स्वरूप का माया ने जीव खुद के स्वयं के स्वरूप से निर्माण किया क्या? माया ने जीव स्वयं के स्वरूप से निर्माण किया क्या?
माया के स्वरूप तो ही उन्हें निर्माण किया, ऐसा कह रहे हैं क्वेश्चन। माया ने जीव को खुद के स्वरूप से, स्वयं के स्वरूप से निर्माण किया क्या, और जीव ने प्रपंच, जीवा ने प्रपंच, और जीवों ने प्रपंच अपने स्वरूप का निर्माण किया क्या, और जीवों ने प्रपंच अपने स्वरूप का निर्माण किया क्या। कहते ना मायाकृत जीव, जीवकृत प्रपंच, तो माया ने क्रिएट किया जीव को, क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी था, उसको कार्य में लेकर आए। आंसर है, और माया यह सिर्फ निमित्त कारण है, और माया यह सिर्फ निमित्त कारण है, और निमित्त मानीजे, और माया सिर्फ, माया और माया यह सिर्फ निमित्त कारण है। उसी प्रकार से जीव भी प्रपंच के विषय में निमित्त कारण है, और जीव भी प्रपंच के विषय में निमित्त कारण है। माया कार्य जीव, जीव कार्य प्रपंच। माया कार्य जीव अर्थात माया यह जीवों को निमित्त कारण होते हुए जीव यह माया का कार्य है, माया यह जीव को निमित्त कारण होते हुए जीव यह माया का कार्य है। माया यह जीव को निमित्त कारण होते हुए जीव यह माया का कार्य है। कारण माया थी इसलिए जीव कार्य को आया, कारण माया थी इसलिए जीव कार्य को आया। अगर माया ही ना होती तो जीव को सोया रहता वहां पे। उसी प्रकार से जीव कार्य प्रपंच अर्थात जीव यह निमित्त कारण होते हुए, जीव यह निमित्त कारण होते हुए प्रपंच यह उसका कार्य है। कारण होते हुए प्रपंच यह उसका कार्य है, अर्थात जीव होता, जीव था इसलिए प्रपंच की रचना हुई, अर्थात जीव था इसलिए प्रपंच की रचना हुई। ये क्या है, वचन संबंध। अच्छा प्रकारे माया ने जीवन आद्यम लावला चेतनत्व आनले तुम्हारा लुट ले जाए तो माया जीव विषय कार्य का है। इस प्रकार से माया ने जीवों को आद्यम लगाया, इस प्रकार से माया ने जीवों को आद्यम लगाया, चेतनत्व लाया, चेतनत्व लाया, तम से बाहर लेकर गई, तम से बाहर लेकर गई। तीन काम किए उन्हें, उल्टा बता रहे हैं। हाँ, आद्यम लगाया, चेतनत्व लाया, और तम से बाहर लेकर गई। इसके बाद माया का जीवों के विषय में क्या कार्य है, इसके बाद माया का जीवों के विषय में क्या कार्य है। हाँ, और शरीर व्यापार मायचा थांबला परंतु मानसिके जीवा विषय मायला लागले पनस्ते मनोधर्मस्तो जीवा ने मलोचना क्रमानिच करावी अशा भाव अस्तो। और शरीर व्यापार माया का रुक गया परंतु मानसिक जीवों के विषय में माया को अपनापन है, परंतु मानसिक जीवों के विषय में
माया को अपनापन है, मनोधर्म होता है, जीवों ने मल रचना, क्रम से करनी चाहिए ऐसा भाव होता है, जीवों ने मल रचना क्रम से करनी चाहिए ऐसा भाव होता है। अर्थ वचन है, जा परी माया जीवांते जन्मोनी अपन उदासीन होए परी सूत्राते ना संडे। या परी अर्थात इस प्रकार से माया जीवाते जन्मोनी अर्थात माया जीवों को आद्य मल लगाकर चेतन करके तम से बाहर निकाल कर क्या है आपन उदासीन अर्थात उसका शारीरिक कार्य रुक जाता है, परंतु परी अर्थात परंतु सूत्राते ना संभी अर्थात जीवों के विषय जीवों के बारे में मनोधर्म जीवों के बारे में मनोधर्म जीवों ने क्रम से मल रचना करनी चाहिए इस प्रकार का भाव कायम इस प्रकार का भाव कायम रहता है, वह भाव जाता नहीं। दोबारा से बोल रहा हूँ, या परी अर्थात इस प्रकार से माया जीवा जन्मोनि अर्थात माया जीवों को आद्य में लगाकर चेतन करके तम से बाहर निकाल कर आपन उदासीन हो अर्थात उसका शारीरिक कार्य रुकता नहीं, परी अर्थात परंतु शारीरिक कार्य रुकता नहीं, हाँ शारीरिक कार्य रुकता है, क्या है रुकता है रुक जाता है, परी अर्थात परंतु सूत्रा तेना संडी अर्थात जीवों के विषय जीवों के बारे में मनोधर्म जीवों ने क्रम से रचना करनी चाहिए इस प्रकार का भाव कायम रहता है, वह भाव जाता नहीं। दंडवत प्रणाम। 10 सूत्र यहाँ पर हो गए, अब इसके बाद थोड़ा सिस्टम बदल जाएगा थोड़ा सा। अभी तक माया और जीव का आपस में जो कार्य था कार्य कारण था वो चल रहा था। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।